हेलो फ्रेंड्स मैं सविता पांडे स्वागत करती हूं आपका एच क्लासेस में आज एच क्लासेस के थ्रू मैं हिंदी के कुछ टॉपिक लेकर आई हूं हिंदी के वैसे तो सारे ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन उनमें से जो छंद टॉपिक है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम समझ में आता है अब क्योंकि छंद इंपॉर्टेंट है इसमें से दो या तीन क्वेश्चन यूपी के हर एग्ज़ाम में आते हैं तो आज मैं छंद आपको इतने इजी तरीके से कराऊंगी कि आप छंद का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे किसी भी एग्ज़ाम में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं तो आप उसे कृपया पूरा अंत तक देखा कीजिए ठीक है और अगर आपको वो अपने काम की लगती है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यही आपकी तरफ से हमारे लिए क्या होता है हमारी मेहनत का रिवॉर्ड होता है तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं छंद स्टार्ट करती हूं देखिए छंद पहला क्वेश्चन तो बेसिक यही बनता है कि छंद एग्जैक्टली exactly है क्या छंद की जरूरत क्या है हिंदी में हम दो चीजें पढ़ते हैं एक होता है गद्य और एक होता है पद गद्य क्या होता है गद्य जो पैराग्राफ्स के फॉर्म में होता है जो हम आ, बुक्स में देखते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं गद्य होते हैं तो गद्य का नियामक कहा जाता है व्याकरण को क्योंकि व्याकरण के थ्रू ही हमें पता चलता है कि कहाँ में अल्प विराम कहाँ पूर्ण विराम कहाँ उद्धरण चिन्ह का किस तरह लिंग का प्रयोग करना है कहाँ वचन के कौन के किस वचन के साथ कौन सा कारक आएगा तो वो सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो किससे पता चलती हैं व्याकरण से तो उसी तरीके से जिस तरह गद्य का नियामक क्या है व्याकरण पद्य का नियामक होता है छंद पद क्या होते हैं काव्य या कविताएं या रचनाएं जो हम निर्माण करते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं पद तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है छंद में कि पद का नियामक क्या है तो पद का नियामक क्या है छंद चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम अध्याय में ठीक है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के नवम अध्याय में प्रथम उल्लेख मिलता है किसका छंद का दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि छंद की ईश्वर से उत्पत्ति किस वेद में बताई गई है तो वो किस वेद में बताई गई है ऋग्वेद में और किस अध्याय में बताई गई है नवम अध्याय में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि छंद का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो छंद का जन्मदाता कहा जाता है पिंगल ऋषि को पिंगल ऋषि अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा मतलब सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न कि छंद का दूसरा नाम क्या है या छंद को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो वो है पिंगल के नाम से जाना जाता है क्योंकि पिंगल ऋषि पहले थे जिन्होंने छंद को एक व्यवस्थित तरीके से पेश किया था ठीक है तो इसीलिए शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है प्रथम कृति अब प्रथम कृति आती है छंद माला छंद माला केशव दास के द्वारा लिखी गई है यह पहली कृति है अगर पहली कृति का नाम आएगा तो ऑफकोर्स आपको छंदमाला लिखना है और अगर आदि ग्रंथ आता है तो वो है छंद सूत्र ठीक है पहली कृति छंदमाला और आदि ग्रंथ की संज्ञा किसी द, दी जाती है छंद सूत्र को दी जाती है अब छंद का जन्मदाता पिंगल ऋषि हैं लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लौकिक संस्कृत में लौकिक संस्कृत में छंद का जन्मदाता किसे माना गया है तो वो वाल्मीकि को माना गया है वाल्मीकि को लौकिक संस्कृत में संस्कृत जब आदि संस्कृत की हम बात करते हैं तो संस्कृत दो पार्ट्स में डिवाइड होती है लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत तो लौकिक संस्कृत में छंद का जन्मदाता किसे माना गया है वाल्मीकि को और अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि छंद का जन्मदाता कौन है तो वो है पिंगल ऋषि चलिए अब छंद के कुछ अंग होते हैं छंद के छह अनिवार्य अंग होते हैं जिसमें से पहला होता है चरण जिसे पद या पाद भी कहते हैं दूसरा वर्ण और मात्राएं तीसरा यति चौथा गति पांचवा तुक और छठा गण इसको हम बहुत ही जल्दी से फास्ट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पंद्रह बीस मिनट में हम पूरा छंद नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है ये तो देखिए चरण पद या पाद चरण क्या होता है हर काव्य चरणों में पंक्तियों में विभाजित होता है जिस तरीके से हमें चलने के लिए चरण चाहिए पैर चाहिए उसी तरीके से काव्य को चलने के लिए क्या चाहिए चरण तो चरण दो टाइप का होता है समचरण और विषम चरण समचरण और विषम चरण यानी कि सामान्यतः क्वेश्चन पहला आता है देखिए बीच बीच में मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ आप उनको नोट डाउन करते जाइए क्योंकि एज इट इज़ वो एग्जाम में आए हुए हैं ठीक है काफ़ी रीड करने के बाद लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को रीड करने के बाद मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तो वैसे कि वैसे आप क्वेश्चन उतार लीजिए तो क्वेश्चन इससे बनता है कि छंद में चरण सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं सामान्यतः चार चरण पाए जाते हैं सामान्यतः एक दो तीन चार तो जो एक तीन है ये क्या है विषम चरण और जो दो और चार है ये क्या है समचरण ठीक है तो चरण दो तरह के समचरण और विषम चरण नेक्स्ट है वर्ण और मात्राएं वर्ण और मात्राओं में पहला क्वेश्चन बनता है कि छंद में कितने प्रकार के स्वर पाए जाते हैं छंद में कितने प्रकार के स्वर तो छंद में स्वर दो ही प्रकार के होते हैं लघु और गुरु लघु स्वर और गुरु स्वर लघु को हम हर्ष के नाम से जानते हैं हर्ष स्वर और गुरु को हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं अब हर्ष कौन से होते हैं अ, छोटा और छोटा उ। ऋषि। ये चार हमारे क्या होते हैं लघु या हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर कितने होते हैं मतलब स्वर एग्जैक्टली आप, आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर में डिफरेंस कैसे करोगे कि हर स्वर वो जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बोलने का समय लगता है और दीर्घ स्वर वो जिनमें जिनके उच्चारण में या बोलने में एक से ज्यादा मात्रा के बोलने का समय लगे तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आई ओ और ये सारे के सारे क्या है दीर्घ स्वर तो जहां पर भी आपको लघु स्वर दिखेगा उसकी हमें एक इकाई लेनी है और जहां पर भी आपको दीर्घ स्वर दिखेगा उसकी हमें दो इकाई लेनी है अब कैसे लेनी है वो मैं अभी जब मात्रा हम काउंट करना सीखेंगे वो मैं तब बताऊंगी इसको यहीं स्किप करते हैं नेक्स्ट होता है यति यति का मतलब होता है ठहराव यानी कि हमें कहाँ यति देनी है हमने एक पंक्ति पूरी की तो कॉमा अल्प विराम लगाते हैं फिर अर्धविराम लगाते हैं फिर कॉमा लगाते हैं और फिर पूर्ण विराम लगाते हैं तो यानी रुकने का समय हमें कहाँ रुकना है वो चीज़ क्या कहलाती है यति कहलाती है गति का मतलब होता है लय यानी कि हमारे काव्य में एक लहर होनी चाहिए एक लय होनी चाहिए जो कि सुनने बोलने और पढ़ने में हमें अच्छा लगे तुक तुक कोई भी पद दो टाइप का होता है तुकांत और अतुकांत अगर अगर पद तुक पर खत्म हो रहा है तो वो कैसा होगा तुकांत और अगर तुक पर खत्म नहीं हो रहा है तो वो कैसा पद होगा अतुकांत ये भी एग्जाम में आया हुआ है तुकांत और अतुकांत में क्या अंतर होता है तो तुकांत आप लोगों को पता ही होगा कि जो समान स्वर पर अंत होता है जिनका जैसे मैंने लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहु लोक उजागर कपीस, उजागर। तो अब इसमें देखिए समान वर्ण आया है र, र की ध्वनि है, है? है, तो यानी कि ये कैसा है? तुकांत पद है। ठीक तो जो तुक पर खत्म हो तुकबंदी पर खत्म हो वो तुकांत होते हैं और जो तुकबंदी पर खत्म ना हो वो क्या होते हैं आतुकांत और लास्ट चीज है हमारी गण गण में से दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गण क्या है गण किसे कहते हैं तो तीन वर्णों के समूह को तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं ठीक है और गण कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के गण कितने प्रकार के आठ प्रकार के इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बस आपको एक चीज याद रखनी है यमाता राज भान सलगा से यगन, म से मगन र से रगन ज से जगण भा से भगण न से नगन, स से सगन। तो इस तरीके से ये आठ गण होते हैं ठीक है और ये लास्ट के जो दो हैं, ल गा ये लघु को दिखाता है और ये गा गुरु को क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि लास्ट में लास्ट के दो वर्ण यमाता राज वाहन सलगा में लास्ट के दो वर्ण क्या डिनोट करते हैं तो ल से लघु और ग से गुरु तो ये हमारे आठ तरीके के गण होते हैं गण का मुक, मुक्तक छंद में कोई इतना यूज नहीं है जितना कि वार्णिक छंद में है तो आज हम केवल मुक्तक छंद मात्रिक छंद ही करेंगे क्योंकि छंद चैप्टर बहुत बड़ा है तो अगर हम थोड़ा करें और अच्छा करें वो ज्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है तो अब बारी आती है कि छंद कितने प्रकार का होता है तो छंद तीन प्रकार का होता है मात्रिक छंद वार्णिक छंद और मुक्त छंद तो आज हम कंसंट्रेट करेंगे केवल मात्रिक छंद में क्योंकि 80 परसेंट क्वेश्चन जो है वो मात्रिक छंद से ही बनते हैं तो मात्रिक छंद फर्दर तीन टाइप्स का होता है अर्धमात्रिक मात्रिक और विषम मात्रिक ठीक है मात्रिक छंद छंद तीन प्रकार का मात्रिक छंद वार्णिक छंद और मुक्तक छंद ये होते क्या है मात्रिक छंद का मतलब होता है कि जब काव्य की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है यानी कि जब हम मात्राओं को काउंट करते हैं दूसरा वार्णिक छंद जब काव्य की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है अब वर्णों की गणना कैसे करते हैं वो भी मैं आके बताऊंगी आपको और मुक्तक छंद में कोई नियम लागू नहीं होता मुक्तक छंद में वैसे तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है कि जूही की कली जूही की कली किस छंद का उदाहरण है तो वो मुक्तक छंद का उदाहरण है और ये निराला की कविता है ठीक है इसमें आज तक यही क्वेश्चन आया है कि जूही की कली निराला की है जो कि मुक्तक छंद में लिखी गई है तो वापस हम मात्रिक छंद में आते हैं मात्रिक छंद में हमने तीन पढ़े अर्धमात्रिक सममात्रिक और विषम मात्रिक, अर्ध मात्रिक यानि कि इसमें आधे चरणों की संख्या क्या होती है समान होती है आधे चरणों की संख्या समान यानी कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी चरण समचरण और विषम चरण है ना इस तरीके से तो यानी कि इसमें जो सम चरण होंगे उनकी संख्या समान होगी और जो विषम चरण होंगे उनकी संख्या समान होगी आधे चरणों की संख्या समान होती है इसीलिए इसको अर्धमात्रिक छंद कहा जाता है दूसरा है सम मात्रिक छंद नाम से ही पता चल रहा है सम मात्रिक यानी कि सभी चरणों की संख्या इसमें क्या होती है समान होती है सभी चरणों की संख्या समान यानी कि अगर पहले चरण में 16 है तो दूसरे में भी 16 तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16 होगी यानी कि सभी में 16 16 16 तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद इसमें संख्या जो होती है वो समान नहीं होती है समान नहीं होती क्लियर मात्रिक छंद अर्ध मात्रिक और विषम मात्रिक अर्ध मात्रिक छंद में मात्रिक छंद को करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो मात्राओं को काउंट करने के लिए हमें आने ही चाहिए सबसे पहला रूल इसमें है सबसे पहला रूल कि लघु वर्ण की हमें एक मात्रा लेनी है और गुरु जो वर्ण है उसकी हमें दो मात्रा लेनी है कैसे? जैसे कि मैंने लिखा रज मैंने लिखा ठीक है रज तो रा क्या है? लघु वर्ण है लघु का मतलब मैंने आपको चार वर्ण बताए थे अ, और री से ऋषि ये चार वर्ण तो रा में अब ये बेसिकली जो रा है, सभी व्यंजन बिना स्वर के कंप्लीट नहीं होते हर व्यंजन में स्वर छुपा होता है अगर हम इसको तोड़े तो ये इस तरीके से है अस्वर इसमें छुपा हुआ है है ना तो आ की एक मात्रा हम लेंगे जैसे इसमें है वैसे ही इसमें आ छुपा है और एक मात्रा इसमें तो रज में कितनी मात्रा हो गई टोटल दो मात्रा गुरुवर्ण मैंने इसको राजा कर दिया अगर तो अब ये क्या बन गया दीर्घ दीर्घ स्वर यानी गुरु बन गया तो इसकी कितनी मात्रा दो मात्रा और इसकी भी कितनी मात्रा दो मात्रा तो गुरु वर्ण को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं और लघु वर्ण को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो गुरु के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम होता है इसका नाम है वर्तुल रेखा इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा यानी गुरु के लिए कौन सी रेखा वर्तुल रेखा और लघु के लिए कौन सी रेखा खड़ी पाई क्लियर है वर्तुल वैसे हिंदी में वर्तुल का एग्जाम में आया हुआ है कि विलोम क्या होता है तो वर्तुल का विलोम होता है वाचाल चलिए जब वो विलोम चैप्टर हम करेंगे तब उसको करेंगे फिलहाल यहाँ पर देखते हैं तो ये क्लियर हो गया कि मात्रा हमें कैसे काउंट करनी है लघु वर्ण आपको दिखता है तो उसकी एक मात्रा लेंगे और दीर्घ यानी कि गुरु वर्ण अगर आपको दिखता है तो उसकी दो मात्रा हमें काउंट करनी है नेक्स्ट रूल होता है इसमें तीसरा आधे अक्षर से पहले वाले वर्ण की दो मात्रा लेनी है आधे अक्षर से पहले वाले वर्ण की दो मात्रा या या हम यूं कहें कि संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की दो मात्रा लेनी है तो एक ही बात है जैसे कि मैंने लिखा भव्य अब वह क्या है आधा अक्षर है तो आधे अक्षर से पहले की कितनी मात्रा लेनी है हमें दो वैसे कितनी है इसमें एक लेकिन अब चूंकि ये आधे अक्षर से पहले आ गया, आ गया गया है तो इसकी कितनी मात्रा लेंगे हम दो आधे अक्षर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती और य की कितनी एक मात्रा तो टोटल कितनी मात्रा होगी भव्य में तीन मात्राए समझ में आया कि आधे अक्षर से पहले अगर यहां पर भव्य होता तो भी इसकी कितनी मात्रा ली जाती दो ही ली जाती क्योंकि दीर्घ की मैक्सिमम दो ही मात्राएं हम मात्राएं मैक्सिमम दो ही होती है उससे ज्यादा नहीं होती है ठीक है तो यहां पर अगर दीर्घ हो चाहे लघु हो यदि वो आदि अक्षर से पहले आया है तो उसकी हमें कितनी मात्रा लेनी है दो मात्रा लेनी है बाकी अपने उसकी कोई मात्रा नहीं होती क्लियर तीसरा रूल नेक्स्ट है चौथा रूल संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की दो मात्रा संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की कितनी मात्रा दो मात्रा हमें लेनी है संयुक्त अक्षर कितने होते हैं चार होते हैं पता ही होगा क्ष त्र श्र और ज्ञ ये चार हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं ठीक है जैसे कि मैंने लिखा आ, कक्ष मैंने लिखा कक्ष अब कक्ष क्ष है संयुक्त अक्षर है वैसे तो इसकी कितनी मात्रा होती एक लेकिन अब ये क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले आ गया है तो इसकी कितनी मात्रा होगी दो और इसकी अपनी खुद की एक होती है तो इसमें टोटल कितनी मात्राएं हो गई तीन मात्राएं अगर मैं इसको कक्षा लिख दू तो भी इसमें कितनी मात्रा अभी क्या बन गया दीर्घ बन गया गुरु बन गया तो इसकी भी कितनी मात्रा लेंगे है है? हम दो तो अब इसमें कितनी हो गई चार तो क्लियर है कि संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की हमें कितनी मात्रा लेनी है दो मात्रा लेनी है और जो संयुक्त अक्षर होता है उसकी अपनी खुद की एक मात्रा होती है आधे अक्षर की उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती क्लियर ये चार रूल ज्यादा नहीं है बस दो रूल और हैं जिसको ये रूल लर्न हो गए समझो उसको छंद का कंसेप्ट क्लियर हो गया देखिए रटने से कुछ नहीं होता है आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर करनी चाहिए क्योंकि कंसेप्ट कभी भी फेल नहीं होते हैं चाहे क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा कर आपका एग्जाम में पूछ ले नेक्स्ट रूल है पांचवा अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण यानी कि चंद्र बिंदु उसकी हमें लेनी है एकमात्र अनुस्वर और विसर्ग इन दोनों की ही होती है दो मात्रा अनुस्वर आपको पता ही है जो बिंदु लगा होता है और विसर्ग आपको पता ही है जो दो बिंदु इस तरीके से लगे होते हैं तो इन दोनों की ही हमें कितनी मात्रा लेनी है दो दो मात्राएं यानी कि अगर मैंने लिखा पंख पंख अब क्योंकि बिंदु अनुस्वर आया है प के ऊपर तो इसकी कितनी मात्रा दो मात्रा और ख की कितनी मात्रा एक मात्रा तो टोटल कितनी मात्रा हो गई इसमें तीन मात्रा विसर्ग को ले लीजिए मैंने लिखा अतः अब ये विसर्ग किसके साथ आया है त तो के साथ तो त की कितनी मात्रा दो मात्रा और अ की कितनी मात्रा एक मात्रा तो यानी कि इसमें भी कितनी मात्रा हो गई तीन मात्रा वैसे ही अनुनासिक में अगर पख पंख लिखा है तो तीन होगी और अगर मैंने पंख लिख दिया तो इसकी एक मात्रा और इसकी एक मात्रा यानी कि टोटल कितनी मात्रा दो मात्रा ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये दीर्घ बन जाता है तो फिर दो ही मात्रा आएंगी जैसे कि मैंने लिखा कांच तो अभी ये दीर्घ बन गया तो अब इसकी कितनी मात्रा दो मात्रा लेनी है और इसकी कितनी मात्रा एक मात्रा तो इस तरीके से ये छह रूल्स हैं जो मात्रिक छंद के लिए अति आवश्यक है जिनको ये छह रूल्स आ गए उन्हें कोई भी प्रॉब्लम छंद में नहीं हो सकती चलिए तो अब हमने रूल्स पढ़ लिए हैं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको फटाफट कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताए थे कि जो मात्रिक छंद है वो तीन टाइप का होता है अर्धमात्रिक सम मात्रिक और विषम मात्रिक अर्धमात्रिक में जो मेन मेन आते हैं वो आता है दोहा सोठा बरवे उल्लाला और एक वीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है दूसरा था सममात्रिक सममात्रिक में भी पांच है रोला चौपाई रूपमाला गीतिका और हरि गीतिका और विषम मात्रिक में दो आते हैं कुंडलिया और छप्पे ठीक है इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है आपको यति याद रखनी है कि किस पर कौन सी यति आती है जैसे कि दोहा दोहा में तेहरा और ग्यारह पर्यति होती है सोठा ग्यारह और तेरह प्रयति होती है अब दोहा और सोठा पे एक क्वेश्चन और बनता है कि किस छंद को दोहे का उल्टा माना गया है विलोम माना गया है तो वो किसे माना गया है दोहे को सोठा का उल्टा या सोठा को दोहे का उल्टा माना गया कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बरवे में बारह और सात पर यति होती है उल्ला में पंद्रह और तेरह पर यति होती है और वीर में सोलह और पंद्रह पर यति होती है रोला में सममात्रिक है यानी कि सभी चरणों में संख्या समान होती है तो रोला में चौबीस मात्राएं, चौपाई में सोलह मात्राएं रूपमाला में भी चौबीस मात्राएं, गीतिका में छब्बीस मात्राएं और हरि गीतिका में अट्ठाइस मात्राएं होती हैं क्लियर आपको सिर्फ इनकी यात्रा मात्राएं याद याद रखनी है और कुछ नहीं करना है एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी मैं आपको कुंडलिया में आता है रोला और दोहा का कॉम्बिनेशन और छप्पे में आता है रोला और उल्लाला का कॉम्बिनेशन कुंडलिया की एक पहचान ये होती है कि ये जिस वर्ण से जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे यह एंड होता है यानी कि जो पहला अक्षर होगा वही इसका अंतिम अक्षर होगा कुंडलिया का सिर्फ हाँ तो दोहे का क्लियर है आपको अर्धमात्रिक में पांच दोहे तेरह ग्यारह या तीस सोठा में ग्यारह और तेरह बर्व है बारह सात उल्लाला पंद्रह तेरह वीर में सोलह और पंद्रह मैं इनको एक सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ आपको दोहे का कि कैसे हम मात्राएं काउंट करते हैं जैसे कि मैंने एक ले लिया रहीमन पानी राखिए ठीक है तो अब क्वेश्चन अब कैसे आएगा आपको ऐसे ही आएगा आपको एक लाइन एक पंक्ति दे दी जाएगी और वो पूछेगा कि इसमें ये किस छंद का उदाहरण है किस छंद का एग्जाम्पल है चार एग्जाम्पल दे देगा आपको दोहा दे देगा रोला दे देगा बरवे दे देगा दे दे दे, दे 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 और सोठा दे देगा दे। कुछ भी दे सकता है ठीक है तो अब जिसको रूल्स पता है वो इजीली इनको काउंट कर सकता है जैसे कि र एक क्योंकि लघु है ही लघु है एक लघु है एक लघु है एक गुरु है दो ये भी गुरु है दो ये गुरु है दो ये क्या है लघु एक ये क्या है गुरु दो आई जो है क्या है वो दीर्घ मात्रा में आता है ये क्या है लघु एक लघु एक दीर्घ की दो दीर्घ की दो लघु दोनों लघु हैं ये क्या है दीर्घ और ये क्या है लघु तो अब काउंट कीजिए कितनी हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो यानी कि यति कहाँ पर लगेगी राखिए के बाद यहाँ तक हमारी तेरह हो गई अब क्या इधर ग्यारह है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया तेरा ग्यारह कहां होती है दोहे में तो यानी कि किसका एग्जाम्पल है ये दोहे का एग्जाम्पल है वैसे ही वो आपको कुछ भी दे दे जैसे ये दे दे को हो होई वाचाल सिर्फ इतनी लाइन दे दे मुह होई वाचाल ठीक है तो इसमें मुंह क्या है बड़ा यानी दीर्घ है दो एक दीर्घ एक दो दो और एक कितनी मात्रा हो गई दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ग्यारह अब शुरू में ग्यारह किसमें होती है सोठा में तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया सोठा का क्लियर है बस इसी तरह के आपको रूल्स जिसको आ गए मात्रिक छंद में यही कंप्लीट है वार्णिक में ज़्यादा नहीं पूछते बस जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी मात्राएं पूछ लेते हैं वर्णों की संख्या पूछ लेते हैं तो जब वार्णिक छंद का मैं वीडियो डालूंगी अपलोड करूंगी तो वो आपको क्लियर उसमें हो जाएगा और आशा करती हूं कि जो भी मैंने समझाया है छंद का मात्रिक छंद जो 80 परसेंट जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जितनी भी वीडियोस में अब आगे हिंदी के विषय पर अपलोड करूंगी वो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे उसके थ्रू धन्यवाद थैंक यू सो मच